पहला होता है कॉलर, दूसरा होता है एक्सपर्ट, तीसरा होता है कलर कमेंटेटर। तो जब आप वो कमेंट्री बॉक्स में तीन कमेंटेटर्स को देखते हैं तो सबका एक रोल डिफाइंड रहता है। कॉलर का काम है कॉलिंग करना, जो हम समझा चुके हैं। एक्सपर्ट का काम है एक्सपर्ट थोड़ा सा व्यूज प्रदान करना, रीप्ले इज जोन, तो उस जोन में उनको खेलना है, वो भी हम बता चुके हैं। अब आती है कलर कमेंटेटर की बात, इसका क्या रोल है, इसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, उनको भी आज करते हैं थोड़ा सा एड्रेस। कलर कमेंटेटर है, पहली बात तो ये समझना जरूरी है कि कॉलर ने कॉल कर दिया, वाइज एंड हाउस जो है वो एक्सपर्ट ने कर दिए। इसका मतलब यह है कि जो कलर कमेंटेटर है उसके पास बताने के लिए अब बहुत कम बचा है, बोथ इन टर्म्स ऑफ ओपिनियन और ऑब्जर्वेशन एंड टाइम। हर बॉल के ऊपर एक बार कॉल होगा, उसके बाद उसका एक्सपर्ट एनालिसिस होगा, उसके बाद कलर के पास शायद टाइम बचेगा, शायद नहीं बचेगा। तो कलर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गेम को ऑब्जर्व करे फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, और उसको ये भी ध्यान रखना है कि मुझे ज्यादा बोलना ही नहीं है, क्योंकि ना तो मेरे पास टाइम है और ना ही मेरे पास ऐड करने के लिए बहुत कोई अतरंगी सतरंगी कहानियां हैं, वो ऑलरेडी कर चुके हैं एक्सपर्ट फ्रॉम अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरा काम क्या है, तो मेरा काम यह है कि मैच देखो, मैच में देख रहा हूँ और इनकी बात भी सुन रहा हूँ दोनों की, और कुछ ऐसी चीज़ नोटिस करने की कोशिश कर रहा हूँ दैट इज जस्ट गॉन मिसिंग, किसी ने ऑब्जर्व नहीं किया, और उस बात को मैं ऑब्जर्व करके मैं अपने प्रोड्यूसर को बोलता हूँ कि मुझे ना वो वाला चीज़ दिखा दो प्लीज़, एंड दैट इज़ वॉट यू आर ऑब्जर्विंग। और वो काम जो है वो कलर का है कि दैट यू ब्रिंग दैट थर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, जो पॉइंट ऑफ व्यू सबसे मिसिंग है पर सबसे वैल्यूबल इनपुट्स शायद वही लेकर आ सकता है, क्योंकि और कहते हैं ना इनसाइड द कप आप जब रहते हैं तो कॉलर और एक्सपर्ट जो वो इनसाइड द कप है, फ्रॉम आउटसाइड द कप यू कैन एक्चुअली सी अ लॉट मोर थिंग्स, वो बर्ड्स आई व्यू आपको मिलता है, आप अलग तरीके से देख सकते हो। ये वाला काम जो है वो कलर का है, क्या आपने कुछ नोटिस नहीं कर पा रहे, कोई ऐसी चीज़ नहीं आई, पर आपको कुछ रिलेशन याद आया कि यार यहाँ से वो वाला रेफरेंस आपको कुछ याद आया, ये सूर्य कुमार यादव कि इस शॉट को तो अभी आप देखा है, लेकिन मैंने ना इसको शिवाजी पार्क में ये वाले शॉट की प्रैक्टिस करते देखा था, और 6 महीने लगातार इन्होंने सिर्फ ये वाले शॉट की प्रैक्टिस की थी। नाउ दैट्स अ पर्सपेक्टिव दैट एड्स सो मच टू द कॉन्वर्जेशन। फर्स्ट हैंड आपने बताया कि मुझे ये एक्सपीरियंस है, ये मैंने देखा है, मैंने उससे बात की थी, या फिर उनके कोचेज से मैंने पूछा था, क्योंकि कोच ने मुझे बताया कि ना सूर्य कुमार यादव बहुत परेशान हो रहे थे, कि उनको लगा कि ये मेरा थोड़ा सा बैलेंस खराब हो रहा है, तो उन्होंने बैलेंस को ठीक करने के लिए ना थोड़ा सा पैरों को एक दूसरे के करीब लाए हैं। दिस इज फेनोमिनल, आप एनालिस्ट की तरह बैठे हुए आप सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि यार ये वाला जो बॉलर है ना लगातार बाहर 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 डालता है, फिर ना पांचवी बॉल जो है ये अंदर डालता है, अब जब अंदर डालता है ना तो हल्का सा ऐसे करके कुछ करता है, थोड़ा सा इशारा करता है। नाउ यू आर लुकिंग एट फाइनर न्यूआंसेस, रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यू नीड टू कीप अ कीन आई, और वो न्यूआंसेस को आपने पकड़ना है पहले और फिर उनको प्रस्तुत करना है, दैट्स द रोल ऑफ अ कलर कॉमेंटेटर। चैलेंजेस की अब जरा कर लेते हैं बात की क्या होते हैं। एक पहला चैलेंज यही होता है कि व्हाट इफ यू आर कॉमेंटेटिंग विद समवन जिसके साथ आपकी बनती नहीं है, नहीं बनती, आप साथ में हैं, कई बार दो बैटर्स की नहीं बनती साथ में, लेकिन क्योंकि वो दोनों अलग अलग एंड पे होते हैं, बड़ा इंडिविजुअल स्पोर्ट रहता है कि आपने बैटिंग जब की तो की, सिर्फ कॉलिंग के अंदर यू नीड टू कम्युनिकेट, दैट्स ओके, हो जाता है। सिमिलरली इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपके साथ वाले से बनती है या नहीं बनती है, ऑडियंस इज नॉट इंटरेस्टेड, दे डू नॉट केयर, दे गिव टू हूट्स कि आपके रिलेशनशिप क्या है। वो वहाँ पर अगर उन्होंने म्यूट के बटन को हटा दिया है, अनम्यूट किया है, आपको अलाउ किया है कि आप प्लीज़ कम एंड ऐड टू द गेम, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो भी आपकी ऑफ फील्ड प्रोफेशनल वो अंडरस्टैंडिंग है, नहीं है, परेशानी है, नहीं बनती है, यू हैव टू फाइंड अ वे। उस तरीके से आपको ये सोच के सबको रखना है, जब तीन लोग बैठे हैं उनका एक काम सोच के रखना है कि मैं इसके साथ कैसा हूँ इस बात की कोई महत्व नहीं है, इस प्रोडक्ट के लिए हम क्या कर रहे हैं दैट इज़ ऑल दैट मैटर्स। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए कि ये चैलेंज आएगा वंस इन अ वाइल की खिलाड़ी है नहीं बनती है, या फिर वो बहुत ज़्यादा कोई खेला हुआ है तो फिर आपको लगता है कि नहीं कहना है, देयर इज सम अदर थिंग्स, यू नीड टू कीप एवरीथिंग ऑन द साइड। ये बात महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है, ओनली वन थिंग इज इम्पॉर्टेंट, वो कि जो दर्शक देख रहा है क्या उसको एक्सपीरियंस आप अच्छा दे पा रहे हो या नहीं दे पा रहे हो। एक बहुत बड़ा चैलेंज आता है वो है लेजी का बटन। अब लेजी बटन क्या होता है, लेजी का बटन का मतलब ये है कि जब आप उसको दबाते हैं तो आप ऑन एयर नहीं जाते हैं, तो फिर आप सीधा अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर से बात कर सकते हैं माइक के जरिए। लेजी बटन इज नॉट 100% रिलायबल, आपने सोचा दबाया था या तो दबा नहीं था या हो सकता है कि मैल फंक्शन कर गया था, और ऐसे में जो आपने बोला अपने डायरेक्टर या प्रोड्यूसर से दैट वॉज लाइव। लेट डीन जोन्स, वी ऑल नो दैट इंसिडेंट दैट हैपेंड, इट वेंट ऑन एयर, और वो पहली बार नहीं है, ऐसा बहुत बार होता है कि जो लेजी बटन पे आपने बात की कि मुझे चौके दिखा दो यार, मुझे कुछ करा दो, शाम को कहाँ जाना है, करे वो पार्टी के हमने खाना मंगाया था मेरा खाना आया नहीं, एज यू कैन यू टॉक ऑल काइंड ऑफ थिंग्स,
अवॉइड डूइंग दैट. कंसिडर योर सेल्फ लाइव ऑलवेज. आप लाइव हैं. अगर आप वो तीन के कॉमेंट्री के बॉक्स में बैठ गए जाकर, फिर वो लेजी बटन दबाया या नहीं दबाया, आप ये समझिए कि आप जो बातें करेंगे वो हो सकता है कि वो ऑन एयर चली जाएं. कई बार ऐसा हो भी जाता है, वो जो लिप माइक है ना वो भी कई बार आवाज़ पकड़ लेता है. हंस रहे थे ओवर के बीच में, तो हो सकता है कि टीवी पे तो ऐड थी पर डिजिटल में ऐड नहीं थी, एंड देन दे समबडी विल टेक्स्ट यू, भाई साहब हंसो ज़रा धीरे क्योंकि आवाज़ आ रही है. व्हेन यू आर देयर अज्यूम दैट यू आर इन अ गेम एंड देयर इज गार्डन में नहीं घूमने का है, पकड़ लेती है आवाज़, वो हो जाता है. समझ रहे हो बात को? ये मॉडर्न डे चैलेंज है एक्चुअली, वो है कॉलिंग ऑफ ट्यूब. अब इसका क्या अर्थ हुआ? कमेंट्री जो है वो मैदान पे हमेशा से हुआ करती थी. आप जाते हैं मैदान पे, वहाँ पे आप देखते हैं सामने आपके मैदान होता है, साइड में आपके एक स्क्रीन होती है, कमेंटेटर के साथ डायरेक्टर प्रोड्यूसर कान में होते हैं, ऑल ऑफ दैट. लेकिन अब जो है अ लॉट ऑफ कमेंट्री हैपेंस फ्रॉम द स्टूडियो. जब आप स्टूडियो में हैं आपके पास भी वही विजुअल आ रहा है जो आ रहा है दर्शक के पास. तो जब ऐसा है, जब लिमिटेड विजुअल्स हैं, आपके पास कुछ नहीं है, आप सिर्फ वही देख रहे हैं कि उसने देखा, खत्म. जो आपने जो दिखाया उस स्क्रीन पे उस समय, दैट्स द ओनली थिंग यू नो. इट बिकम्स चैलेंजिंग क्योंकि ऐसे में आपको फील्ड पोजिशन नहीं पता होती, यू हैव नो क्लू व्हाटसोएवर. समटाइम्स आपको ये भी पता नहीं चलता है कि कौन से एंड से गेंदबाजी हो रही है क्योंकि यू आर नॉट एट द ग्राउंड. और ऐसे में सबसे बड़ी बार आप फंसते हैं जब कोई शॉर्ट एयर में जाता है. अब शॉर्ट एयर में गया, आपको लगा मिस टाइम हुआ है क्योंकि वो जो स्टम्प माइक से आपके पास माइक आता है प्रोग्राम का साउंड, अब वो उतना अच्छा साउंड नहीं था, आपने बोल दिया अरे ये तो टॉप एज लगा है, पर वो छक्का हो जाता है कई बार. तो सबने गलतियाँ की, मैंने भी की हैं. आपने कहा अरे क्या कमाल का शॉट है, अरे बट नहीं है, आवाज़ अच्छी पर आई नहीं है. सारी चीज़ें जो होती हैं वो ऑफ ट्यूब कमेंट्री का ये पेरिल्स हैं. आप देख नहीं रहे हैं, मैदान पे नहीं है. तो इट इज़ इंपॉर्टेंट जब आप ऑफ ट्यूब करते हैं, शॉट लगा तो बाय टाइम, जस्ट बाय टाइम. शॉट लगा तो है, हवा में है, कितनी दूर, कितना ऊंचा, आई मीन यू आर जस्ट बाइंग टाइम बिकॉज यू डोंट नो. कई बार हो सकता है वो स्टैंड में गिर जाता है, कई बार हो सकता है वो ग्राउंड पे गिर जाती है, कई बार वहाँ फील्डर होता है, कई बार होता ही नहीं है फील्डर क्योंकि यू कांट सी. तो ऑफ ट्यूब कमेंट्री इज क्वाइट चैलेंजिंग. उसके लिए बाइंग टाइम एंड फाइंडिंग योर ओन कंफर्ट जोन, बिना कुछ बोले भी आप काफ़ी कुछ ऑब्जर्व करते हुए वहाँ से बच के निकल सकते हैं. आई थिंक दैट्स वन थिंग जो कि चैलेंजेस जरूर होंगे व्हेन यू स्टार्ट कमेंटेटिंग, स्पेशली व्हेन यू आर कमेंटेटिंग ऑफ ट्यूब. एसएनपी होता है, स्टैंडर्ड एंड प्रैक्टिसेस का एक क्लास भी लगती है वैसे, जब आप कभी कहीं कमेंट्री करेंगे, कि जो कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं उनसे आपको दूर रहना है, उनको आपको एड्रेस नहीं करना है. कोशिश करना है जितना यू स्टे अवे, स्टे क्लियर. कोई स्टॉकर चला गया मैदान पे, आपको दिख रहा है, लेकिन ब्रॉडकास्टर है वो पूरी कोशिश करता है कि वो स्टॉकर आपको ना दिखाए. वो एक आधा ग्लिम्स में कभी दिख गया लेकिन उसके बाद दे विल कट टू समथिंग एल्स. जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं आप उसकी बात कीजिए क्योंकि दर्शक को नहीं पता आपको क्या दिख रहा है. तो डू नॉट ऐड टू द फायर, डू नॉट ऐड फ्यूल टू द फायर. डाउज करने की आप कोशिश कीजिए कि अगर कई बार होता है कि साथ में कमेंटेटर है आपके, वो कॉलर भी हो सकता है, एक्सपर्ट भी हो सकता है, कुछ गलत स्लिप ऑफ टंग कि बात कुछ निकल गई, उसको वहीं पे दबा देना, आग में घी मत डालना, और हो सके तो हल्का सा अपॉलॉजी के साथ आगे निकल जाना या टोटली इग्नोर कर जाना. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू जस्ट स्टे क्लियर ऑफ एनी कॉन्ट्रोवर्सी व्हाट्सोएवर. ये आपका काम नहीं है वाइल लाइव ब्रॉडकास्टिंग. ऑफ ट्यूब की मैंने आपको बताया चैलेंजेस बहुत होते हैं, अलग तरीके के होते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड के भी चैलेंज है, बिलीव इट और नॉट. मतलब आप पूरा मैदान देख रहे हैं, फील्डर यहाँ से गया, वहाँ से आया, आगे हुआ, पीछे हुआ, यू ऑल मेक दिस मिस्टेक की वी स्टार्ट लुकिंग एट द ग्राउंड एंड स्टार्ट टॉकिंग विदाउट रियलाइजिंग कि मैं कह रहा हूँ अरे वो फील्डर जो आगे बुला लिया ना उससे, पर वो बुला लिया इज नॉट इंपॉर्टेंट क्योंकि दर्शक जो देख रहा है घर पे या मोबाइल पे वो अपनी स्क्रीन में जो दिखा रहे वही देख रहा है. व्हाइल यू कीप एन आई ऑन द ग्राउंड, आप वो चीज़ें मांग सकते हैं अपने प्रोड्यूसर से कि मुझे चाहिए वो जरा आगे आया पीछे गया है. जो कमेंट्री करनी है आपको करनी है वो जो स्क्रीन पर है. तो एक स्क्रीन होती है जो प्रोग्राम मॉनिटर कहते हैं उसको, तो उसको देख के आपको ऑलमोस्ट कमेंट्री करनी है विद एन आई ऑन द ग्राउंड. जैसे बॉल हवा में गई तो वहाँ पे यू ऑफकोर्स स्टार्ट लुकिंग की अच्छा ये छक्का होगा या नहीं होगा, यू बेटर इन्फॉर्म्ड. लेकिन आप कमेंट्री जो है वो आप मैदान पे देख के टीवी की कमेंट्री आप नहीं कर पाएंगे. मैदान पे जो आपको दिख रहा है वो टीवी पे नहीं है. ऑल्सो मेक श्योर कि आप सैंटिटी को मेंटेन करना जरूरी है. आई मीन यू कांट गो ओवरबोर्ड, इमोशंस विल स्पिल ओवर, कभी कभी तो होगा ऐसा, पर जनरली आई मीन इट इज़ एन इमोशनल थिंग. अगर आप क्रिकेट की स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं सो यू डू गेट इमोशनल एंड यू गो ऑल आउट. कई बार आपकी आंखों में भी आंसू होते हैं, पर एज अ कॉमेंटेटर अगेन इट इज़ इंपॉर्टेंट थोड़ा सा आप इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखें, हाउ एवर डिफिकल्ट इट माइट बी. एक और इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी घर पर जो लैंग्वेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है. घर पे अगर आपकी लैंग्वेज जो है वो एकदम वो पार्लियामेंटेरियन है, एकदम क्लीन है, बिल्कुल अच्छी बात करते हैं आप से गलतियां कम होंगी. लेकिन अगर आप घर पर आपकी अपने दोस्तों के साथ बड़ी कलरफुल लैंग्वेज आप इस्तेमाल करते हैं, डू बेयर इन माइंड कि किसी दिन वो इमोशंस के बहाव में ना
वो वाले शब्द भी निकल जाते हैं। यू आर एट योर बेस्ट व्हेन यू आर नॉट थिंकिंग कि आपके हाथ में एक माइक है या आप कैमरे पे हैं, और अगर वैसा आपको कंफर्ट चाहिए, मेक श्योर कि आपकी लैंग्वेज हर जगह, घर पर, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, आप बाहर जाके हमेशा एकदम सही होनी चाहिए। अगर अच्छी रहेगी लैंग्वेज तो कभी गलती आपकी ऑन एयर ब्रॉडकास्टिंग के टाइम पर नहीं होगी।